मेरे प्यारे भाइयों बहनों, एक विचारधारा के आधार पर, एक सिद्धांत के आधार पर, किसी एक सिद्धांत को लेकर बनी हुई पार्टी ही नहीं है। ये हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता किसी से नहीं डरता, एक इंच पीछे नहीं हटता और देश के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार रहता है। मेरे जैसा इंसान जिसने लैपटॉप बांटे हो, लैपटॉप दे दिए हो 18 लाख, ये मैदान काफी बड़ा था लेकिन BSP के लिए ये मैदान काफी छोटा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। मामला अयोध्या के साहबगंज का है, जहां एक पीड़ित परिवार के लोगों को कुछ दबंग किस्म के लोग आए दिन परेशान करते हैं, जान से मारने की धमकी देते हैं। चोरों द्वारा उसकी टेम्पो को पूरी तरह से तोड़ फोड़ देते हैं और उसके कुछ पार्ट को गायब कर देते हैं। पीड़ित परिवार के दीवार पर छत नहीं पड़ने दे रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना के बाद भी दीवार पर छत नहीं खड़ी हो पा रही है। दबंगों द्वारा पूरी तरह से कब्जा होने के कारण कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है, जबकि FIR दर्ज हो चुका है। पीड़ित परिवार के लोग श्री राम यादव, उर्मिला यादव, रामशरण यादव, रामशुक यादव, संतोष आदि लोग हैं। अयोध्या से अंकित की रिपोर्ट। यहाँ करा तो SSP ने आदेश किया मुकदमा दर्ज करने का, उसके बावजूद जो कोतवाली में मेरा मुकदमा दर्ज हुआ गाड़ी का, तो इन्होंने धमकी दे रहे तुम्हारे चारों पुत्रों को मार डालेंगे, जान से ख़त्म कर देंगे और अपना FIR वापस ले लो और नहीं तो जान से मार के ख़त्म कर देंगे और भाई परे खाए नहीं देंगे, आपको यहाँ रहने नहीं देंगे। धमका रहे हैं, कल की भी ये राम तीरथ यादव, विकास यादव, भोला यादव, दीपक यादव, दीपक पाणी, ये लोग कहते हैं सांसद विधायक भाजपा मेरे जेब में घूमती है, मेरा क्या करोगे? पुलिस हमारे प्रशासन हमारे जेब में घूमती है, तुम क्या करोगे? हमारी सर सुनवाई नहीं होती है, बहुत हाथ गोड़ जोड़े, बहुत गोड़े गिरे और वहाँ कप्तान के यहाँ गए तो मेरा मुकदमा कोतवाल साहब पंजीकृत किए। इसके बाद इन्होंने कह रहे हैं मुकदमा वापस ले लो, नहीं तुम्हारे चारों पुत्रों को मार के सरजू लाभ कर देंगे, कुछ मेरा कर नहीं पाओगी। मेरा नाम है उर्मिला। और अपने घर पे ही वो खड़ी कर लिए, जिससे जो है सुबह जो रात में गाड़ी का हमारे बायां चक्का और अंदर का स्टेपनी, टायर और बैटरी वाइपर और अन्य सभी शीशों और जैक सब हर चीज़ को तोड़ दिया गया और चोरी कर लिया गया, जिसमें भोला यादव, राम तीरथ यादव और विकास यादव उर्फ राहुल यादव, इन तीनों लोग के मिलीभगत से ये पूरा मामला हुआ है। इन्होंने कई बार धमकी दे रहे हैं लगातार। कल दिनांक 22 तारीख को जब हमने मुकदमा पंजीकृत कराया कोतवाली नगर में, उसके बाद भी इन्होंने धमकी दे रहे हैं कि तुम्हें और तुम्हारे परिवार को जान से मार देंगे अगर तुम FIR वापसी नहीं लेते हो, तो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को जान से मार देंगे। और मैं यही चाहता हूं सर कि इन लोगों को पुलिस प्रशासन का कोई डर नहीं है, ये अपने आप को बताते हैं कि विधायक व सांसद हमारे जेब में रहते हैं। और मैं चाहता हूं कि प्रशासन हमारी मदद करे, ये लोग हमेशा प्रशासन के दबाव में, कभी चौकी इंचार्ज को कभी कैसे भी क्या करते हैं वो तो यही जान सकते हैं, लेकिन ये लोग प्रशासन से डरने वाले बिल्कुल नहीं हैं। ये हमेशा आए दिन धमकी दे रहे हैं कि तुम अपना FIR वापस कर लो। इसकी शिकायत मैं सर SSP के यहाँ करा तो